बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर रहमान शेफ़ और आप देख रहे हैं चैनल कमर शेफ़ तड़का 0307। आज ठाणा आलू गोभी की रेसिपी शेयर करने लगे हैं कि आलू गोभी किस तरह तैयार की जाती है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपके घरों में प्याज होगा नहीं होगा, टमाटर नहीं होगा, आप प्याज टमाटर के बगैर और अदरक लहसुन के बगैर कैसे सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं, ये तरीका बताने लगो। आज हम सब्ज़ी के अंदर सिर्फ लहसुन डालेंगे, अदरक नहीं डालेंगे। किसी मेरी माँ बहन के अंदर पास नहीं लहसुन अदरक होता उनके पास, तो मेरे भाई किसी प्रदेश में हैं उनके पास भी लहसुन अदरक नहीं कम होगा, वो कैसे झटपट हांडी बना सकते हैं लहसुन के साथ। अकेला लहसुन डालेंगे, कैसे तैयार करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। चले, ये हमने घी शामिल कर लिया, ये देखिए लहसुन शामिल कर दिए प्यारे नाज़रीन, ये देखें। ये प्यारे नाज़रीन लहसुन फ्राई हो चुका है, ये देखें। आलू शामिल करेंगे, टमाटर शामिल करेंगे दो अदद, एक चार ही चम्मच पावांगे लाल मिर्च पाउडर, एक चार ही चम्मच पावांगे नमक, हल्दी पावांगे पाउडर आधी चार ही चम्मच, छह अदद बड़ी लाल मिर्चें हैं हमारे पास मोटी वाली, वो शामिल करेंगे साथ ही गोभी के। दस मिनट बाद देखेंगे प्यारे नाज़रीन, फिर तुम दसते हैं। दस मिनट दम ते रखती, ये मेरे प्यारे नाज़रीन ये देखो हमारी दम भी आलू गोभी हो गई है। नमक शामिल करेंगे कम में, आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, हमने आधी चम्मच चाय की शामिल की। धनिया शामिल करेंगे, गोभी अब हमारी तैयार है, आप सर्व कर सकते हैं डोंगे में डाल के, रोटियां तनूर की शामिल कर सक खा सकते हैं। खमीरी रोटी इसके साथ खाई जाती है, तनूर की सादी रोटी खाई जाती है, जो आप चाहें वो रोटी आप इसके साथ मेहमानों को सर्व करें। और ऊपर गरम मसाला शामिल कर लें, हम गरम मसाला नहीं शामिल करेंगे, हमारे बच्चों ने खानी, वो कहते हैं भाई जलन होती है, हम जलन वाला उनके मिर्च बच्चे हैं ना, मिर्च नहीं टेस्ट खाते वो गरम मसाला, इसलिए हम शामिल नहीं करेंगे, आप जा डाल सकते हैं। मेरे भाइयों, जिस भाई मेरे ने वीडियो नहीं लाइक की वो शेयर कर दे, वो लाइक कर दे, मेरी जो भी वीडियो बनेगी आप तक पहुँच जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नई रेसिपी और नई वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।